मेरे देशवासियों, मैं दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में और पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के इस तीसरे पड़ाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 6 तारीख को दिल्ली में जो KMP एक बड़ा सुपरफास्ट हाईवे है, उस सुपरफास्ट हाईवे को जाम किया जाएगा 5 घंटे के लिए। ये 5 घंटे के लिए जाम करने के बाद जब हम कर रहे हैं दिल्ली में, उसी समय संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये भी आपको निवेदन किया जाता है कि आप पूरे देश में अपनी अपनी जगह के ऊपर किसान और जन जो है मिलके प्रोटेस्ट करोगे, वो किसी भी शक्ल में, मीटिंग में, रैली में या धरने के रूप में कीजिए, और उसमें किसानों के जो खिलाफ ये कानून बने हैं और MSP के पक्ष में, कानूनों के विरोध में आप अपना ये प्रोग्राम करते हुए, साथ ही पूरे देश में हमारी तरफ से आह्वान है कि अपने अपने घरों के ऊपर, दफ्तरों के ऊपर, अपने अपने वाहनों के ऊपर आपने काले झंडे भी लहराने हैं, और ये काले झंडे लगातार लहराते रहेंगे 6 तारीख के बाद, क्योंकि 6 तारीख को पूरे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं इस आंदोलन के। उसके बाद 8 मार्च को देशव्यापी नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यहाँ तीनों सभी बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी गिनती में महिलाओं को आने का निवेदन किया जाता है। उनको बुलाने के लिए हम मैसेजेस दे भी रहे हैं और निमंत्रण किया जाता है उनको आने के लिए, ताजो बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी गिनती में, एक बड़ी भीड़ में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसानों के आंदोलन में पक्ष में मना सके। साथ ही पूरे देश में भी अलग अलग जो और धरने चल रहे हैं, वो चाहे टोल प्लाजा के ऊपर चल रहे हैं, वहां भी इस किस्म से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किसान आंदोलन के पक्ष में मनाया जाए। पूरे देश में जितने भी महिला संगठन हैं और महिला संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए जो दूसरे संगठन है, उनको भी हम अपील करते हैं कि आओ 8 मार्च को महिलाओं का दिवस मनाते हुए, महिलाओं को एक किसान महिला दिवस के रूप में मनाते हुए पूरे देश और दुनिया में इस किसान आंदोलन के पक्ष में हम पूरी लहर खड़ी करें। उसके बाद लगातार ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। 15 तारीख को देश के जो मजदूर संगठन है, केंद्रीय जो ट्रेड यूनियंस हैं 10, उनके साथ हम 15 अगस्त को निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के विरोध में पूरे देश में रेलवे स्टेशन के ऊपर गैदरिंग होगी, और ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेटाइजेशन के खिलाफ में हम उस दिन पूरे देश के मजदूर और किसान मिलके रेलवे स्टेशन के ऊपर इकट्ठे होंगे और वो दिन मनाएंगे। इसी के साथ साथ 5 प्रांतों में इलेक्शन होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि आओ इन प्रांतों में किसान मिलकर सभाएं करें, कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस करें, और इस गैदरिंग में हम कॉल देंगे कि जिस संगठन ने, जिस पार्टी ने, जिसकी सरकार ने किसानों के विरोध में ये 3 कानून लाए गए हैं, और साथ ही किसानों को कर्जई करके, उनको कर्जे में डुबो के आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और साथ ही किसानों को MSP नहीं दिया जा रहा है, और किसान के विरोध में जो नीतियों को लागू किया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम कॉल दिया है और देंगे कि BJP और उसके जो साथ केंद्र गवर्नमेंट में NDA के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके खिलाफ अपना गुस्सा, जो वोट नहीं देते हुए उनको या उनका बाइकाट करते हुए, उनको तिरस्कार करते हुए आप अपने गुस्से का इजहार करें। और साथ ही साउदर्न स्टेट में, क्योंकि फसलें पक चुकी हैं, मंडी में आ रही हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने प्लान किया है कि 5 तारीख के बाद पूरे साउदर्न स्टेट्स में, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह में, हम MSP की गारंटी करने के लिए MSP दिलाओ अभियान, MSP प्राप्त करो अभियान, इस अभियान के तहत
मंडियों में, शहरों में जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारी तरफ से कहा है कि आओ किसानों को मंडियों में और खेतों में खलियानों में एकत्र करते हुए एमएसपी की प्राप्ति के लिए हम लड़ाई लड़े। सो संयुक्त किसान मोर्चा की आने वाले दिनों में फिर मीटिंग होगी, शायद हम 9 तारीख को बैठक करें और उसमें आगे वाले आने वाले और प्रोग्रामों का भी ऐलान करें। अभी तक ये प्रोग्रामों में हम आशा करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आप इन प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर लगे हुए जो धरने हैं किसानों के, जो काम के बावजूद भी किसान काम के बावजूद भी इन धरनों में आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उम्मीद करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की हर काल में, वो चाहे 6 मार्च को केएमपी घेरने के लिए आना है, बड़े पैमाने में आना धरनों के ऊपर बॉर्डर्स के ऊपर, गांव से आप आइए और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कामयाब करने के लिए, और फिर ये 15 तारीख को अपने अपने शहर में इकट्ठे होके जाइए आप रेलवे स्टेशन के ऊपर मजदूर संगठनों और मजदूरों के साथ मिलके, जो जो मैंने बताया है कि उस पॉलिसीज के खिलाफ हम इकट्ठे हों, और साथ ही एमएसपी के अभियान में भी आप एकत्र होके साथ जुड़े। संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ, आपका साथ लेते हुए देश के किसानों की एक लीडरशिप दे रहा है और हम वादा करते हैं कि इस लीडरशिप को जारी रखेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा में कोई 500 के करीब संगठन देश के हैं, जिसको एक बैनर दे रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, वो संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत आपसे है, आपकी एकता से है, आपके संघर्ष से है, और किसान संगठनों की एकता को बनाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम उसको निभा रहे हैं, निभाएंगे, और देश के किसानों को इन नीतियों से मुक्ति दिलाते हुए, सरकार की किसान खेती विरोधी नीतियों से मुक्ति दिलाते हुए किसानों को एक अच्छी नीतियों के साथ उनको कर्ज से मुक्ति, एमएसपी का जो पूरी गारंटी और 3 कानूनों से मुक्ति दिलाने के लिए ये संघर्ष जारी रखेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शन पाल की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धन्यवाद।